हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। दोस्तों, देखा जाता है इस चैप्टर में अगर 10 बार पेपर में आया हुआ है तो 8 बार ऐसा होता है कि इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, और 2 बार ऐसा देखा गया है कि इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। कहता है व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, बताओ क्या होता है, उसके साथ एक क्वेश्चन जुड़कर आ जाता है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैं ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल चुका हूं और वीडियो में भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट वन प्लेस। ऐसी वीडियो होगी तो वहां से आपको मिल भी जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप वहां से देखकर डिमांड फोरकास्टिंग के क्वेश्चन कर लीजिए। 80% चांस होते हैं कि प्रैक्टिकल ही आता है और आज हम उसी की रिविजन करने जा रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है और बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा। सिंपल वे में इन द सेंस कि देखिए, हालांकि इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज्यादा है, हमने इसको पेड क्लास के अंदर सारी थ्योरेटिकल पार्ट कवर भी करा था, मैंने आपको कराया भी था सारा कवर, बट हमें हमेशा वैसा पढ़ना चाहिए जैसा पेपर के चांसेस होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा कि थ्योरेटिकल पार्ट जो होगा उसके लिए आप क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए ओएम के वो आप उनको आप रीड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा स्टडी मैट की हेल्प से, और जो आपके पास प्रैक्टिकल पार्ट है उसका रिवीजन मैं आपको यहां आज करा देता हूं, क्योंकि ज्यादातर चांस वही होते हैं आने के। तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप लास्ट 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, डिमांड फोरकास्टिंग का पेपर 8 बार, डिमांड फोरकास्टिंग का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 बार आ रहा होगा और 1-2 बार ऐसा रहा होगा कि थ्योरी पूछी गई होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है दोस्त। क्या है? प्रैक्टिकल चैप्टर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए डिमांड फोरकास्टिंग। और अगर आप हमारे कोई भी चैप्टर की क्लास लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और आप हमारी अगर फुल फ्लेज क्लास लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आपकी जो फीस है फुल फ्लेज क्लास की वो सिर्फ 2500 है। कॉम्बो भी ले सकते हैं, कॉम्बो में और फीस कम हो जाती है, जैसे ग्रुप 2 का कॉम्बो लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। अच्छा, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग बात करता है 2 वेरिएबल के ऊपर। फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। क्या मतलब है जरा बताइए सर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से पहले तो चैप्टर का मतलब बताता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, क्या ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं। आपने अगर CMA फाउंडेशन पढ़कर आए हुए हो तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन के बाद आता था वो रेग्रेशन एनालिसिस। तो रेग्रेशन एनालिसिस जो आपने पढ़ा था वहां पर उसका आधा है यहाँ पर, सेम वही है पर उसका आधा है, 50% पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम रेग्रेशन एनालिसिस है। चलिए, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका सेल का आपको फोरकास्ट करना है और आपको एडवर्टाइजमेंट देखी है, तो समझिए मतलब क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कंपनी है जिसका आपको कुछ डाटा गिवन है। डाटा क्या गिवन है? डाटा ये गिवन है कि देखिए कंपनी की ना सेल डिपेंड है किस पर? एडवर्टाइजमेंट पे। कंपनी जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराएगी उतनी कंपनी की सेल बढ़ेगी। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 10 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई और सेल होगी 100 करोड़। फिर कंपनी ने अगले साल 20 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई, सेल होगी 200 करोड़। अगले साल 25 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराई, सेल हमारी होगी 250 करोड़। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेल भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे सेल हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भी हमारा बढ़ता जा रहा है। लेट सपोज कि अगर हम ईयर की बात करें, ये 2019 का है डाटा, ये 2020 का डाटा है, ये 2021 का है, ये 2022 का डाटा है, और ये 2023 का डाटा। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है, देखो समझो। 2024 में कह रहा है कि भैया देखो, अगर मैं 50 करोड़ की सेल करूं, क्या बोलता है, अगर मैं 50 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करूं तो आप एक अनुमान लगाइए कि 2024 में मेरी सेल कितनी होगी। कहता है अगर मैं एडवर्टाइजमेंट 50 करोड़ का करता हूं, क्योंकि सेल जो है वो किस पे डिपेंड हो रही है, एडवर्टाइजमेंट पर, तो जो सेल है
वो किस पे डिपेंड है? एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड है। तो जो सेल वाला हम कहेंगे सेल वाला पार्ट है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने एक्स नाम दे दिया और इसको हमने वाई नाम दे दिया। तो हमने कहा जो सेल है वो किस पे डिपेंड है जी? एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड है, और सेल को हमने एक्स नाम दिया और वो हमने वाई नाम दे दिया। ठीक है, उसको उल्टा कर लो, सेल को वाई नाम दे दो और इसको एक्स नाम दे दो। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं, जो सेल है उसको हमने क्या बोला? सेल को हमने क्या बोल दिया? सेल को हमने वाई वेरिएबल कहा, और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, सर समझाओ डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि ये वेरिएबल की वैल्यू तभी आएगी जब आपको दूसरी वैल्यू पता हो। अगर आपको एक्स की वैल्यू पता है तभी वाई आ पाएगा, एक्स की वैल्यू नहीं पता होगी तब वाई नहीं आ पाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि सेल एक्स पर डिपेंड है, एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड है। अगर मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करोगे तो 100 करोड़ की सेल होगी, 20 करोड़ की कराओगे तो 200 करोड़ की सेल होगी। तो मतलब सेल किस पे डिपेंड हो रही है? एडवर्टाइजमेंट पे। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एडवर्टाइजमेंट क्या है दोस्तों? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो ये कहता है कि देखिए सर, दोनों चीजें तो मैंने आपको बता दी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब? हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट हमारे हाथ में है कि हमें कितना करवाना है, 35 करोड़ की जगह 40 करोड़ कराना है, 50 करोड़ कराना है, 100 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करानी है, ये कंपनी के हाथ में। तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, पर सेल अपने अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा सकती। सेल तो डिपेंड करेगा ना कितना आपने प्रचार किया, कितना आपने एडवर्टाइजमेंट करा, कितने कस्टमर को आपने बेचा, सेल उस पर डिपेंड है। सेल कभी भी एडवर्टाइजमेंट सही, सेल कभी भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सेल बड़ा घटा सकते हैं। कंपनी अपनी मर्जी से सेल बड़ा घटा नहीं सकती है, पर कंपनी अपनी मर्जी से एडवर्टाइजमेंट को बड़ा घटा सकती है ना, कि कितना पैसा उसने एडवर्टाइजमेंट में इस बार खर्च करना है, कितना पैसा। टाटा कंपनी को देखो, 500 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करा देती है टाटा पावर आईपीएल के अंदर, टाटा आईपीएल लिखने के लिए 500 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट है वो, कि टाटा नाम आ जाए बस वहां पर, टाटा आईपीएल। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे या जितना कम लगाओगे कंपनी के हैंड पर होता है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ये किसी पे डिपेंड नहीं है एडवर्टाइजमेंट, कंपनी चाहे तो उसको बढ़ा और घटा सकती है। इसको बढ़ाने घटाने पर सेल पे इंपैक्ट आता है, तो सेल एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड है, इसलिए सेल को डिपेंडेंट वेरिएबल का। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको गिवन है, तो इसके भी आप ये वैल्यू निकाल कर दिखाओ, इसको डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब हुआ, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि अगर मेरी एडवर्टाइजमेंट 50 करोड़ की है तो बताओ इसके बेसिस पर हमारी सेल कितनी होगी, तो इसका आपको फोरकास्ट करना है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना है, और ये फोरकास्टिंग करने के लिए हम हेल्प लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। इस फोरकास्टिंग को करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक टेक्निक है, उसकी हेल्प लेते हैं, जिसको बोलते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। क्या बोलते हैं? रेग्रेशन एनालिसिस। असल में आ गया ये हमारा चैप्टर, कि जब भी कोई एक वेरिएबल दे रखा होगा और एक वेरिएबल की हेल्प से हम दूसरा वेरिएबल जब फाइंड करेंगे, उस वेरिएबल की हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल को अनुमान लगाएंगे, फोरकास्ट करेंगे, इसी को डिमांड फोरकास्टिंग कहा गया। असल में आ गई, जब आप सीएमए फाउंडेशन के अंदर अगर कोई स्टूडेंट पढ़कर आया हुआ है सीएमए फाउंडेशन, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री से भी आ जाते हैं, तो अगर सीएमए फाउंडेशन आप पढ़कर आए हुए हो तो वहां पर रेग्रेशन एनालिसिस में आपको ये भी बताया गया होगा कि अगर आप 50 करोड़ की सेल दे रही है तो 50 करोड़ की अगर एडवर्टाइजमेंट गिवन है तो बताओ सेल कितनी, या अगर मैं कहूंगा 500 करोड़ की सेल है तो बताओ एडवर्टाइजमेंट कितनी की करोगी। तो यहां पर ऊपर नीचे दोनों होता है, मतलब आपको दो वेरिएबल के फोरकास्टिंग करनी होती है, पर हमारे सिलेबस के अंदर ओएमएसएम के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल पे फोरकास्टिंग कहेगी कि अगर आपको एक्स गिवन हो तो बताओ वाई क्या होगा। एक्स आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वाई आपको निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्स। तो इसलिए हम इस डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए, हमें अगर फोरकास्टिंग करनी है किसी एक वेरिएबल के हेल्प से, जब दूसरा वेरिएबल हम फाइंड आउट करते हैं उसको फोरकास्टिंग कहा जाता है, और उसको निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं, जिसकी एक टेक्निक है रेग्रेशन एनालिसिस। रेग्रेशन एनालिसिस ने क्या बनाया? एक इक्वेशन बनाई। रेग्रेशन एनालिसिस ने क्या करा? रेग्रेशन एनालिसिस ने क्या करा? एक इक्वेशन बना ली, उसको बोलते हैं हम रेग्रेशन इक्वेशन। उसने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, उसने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, कह रहा है आपकी, आपको वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स सी है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वाई क्या है? वाई मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमें निकालना है, वाई मतलब सेल निकालनी है। एक्स क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। और ए और बी क्या है? ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट।
सर ए और बी क्या है सर, कांस्टेंट है। तो कहता है ये हम इक्वेशन है और इसकी हेल्प से हम, इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर 50 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा तो सेल कितनी होगी। बात समझ में आ गया जी, क्लियर होगी चीजें। चलिए तो क्लियर हो गया आपको ये एक बेसिक पॉइंट इस चैप्टर का, एक बेसिक पॉइंट आपको समझ में आया होगा चैप्टर का कि कैसे हमें करना है। चलिए तो अब करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ये फोरकास्टिंग किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेस रहता है। तो आइए इस प्रोसेस को पूरा एक्सप्लेन करता हूं एक मॉड्यूल के क्वेश्चन कराकर, जिससे हमारा डबल बेनिफिट है, हमें प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा और साथ में हमारा एक मॉड्यूल का क्वेश्चन भी हो जाएगा और क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो मुश्किल होगा। आइए सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ और समझाते हैं आपको, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कराऊंगा उसमें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको ना समझ में आए, ऐसे कोई ऐसा दिक्कत कि हाँ यार ये चीज समझ नहीं आ रही, मुझे वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पर नेसेसरी है अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर करना है। पेपर में आता है सर, 100% पेपर में आता है। और मैं ये देखो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर हमारे पास मॉड्यूल में 4 क्वेश्चन गिवन है, 2 मैं कराऊंगा, 2 आप कर लेना, ठीक है सर। 2 मैं आप ही करा देता हूं और दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4 कराऊंगा, 1 और 2 आप कर लेना जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, बड़े भी नहीं छोटे क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कहता है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ यूज ऑफ स्कूटर इन अ 5 टाउन। 5 टाउन का एक इन्वेस्टिगेशन करा गया, सर्वे करा गया और इसका देखा गया कि कितने लोग स्कूटर यूज कर रहे हैं। एज द फ्लोइंग रिजल्ट पॉपुलेशन ऑन टाउन, टाउन की पॉपुलेशन है 4 लाख है, लाख लैक्स में है, तो जो एंड आंसर होगा उसको लैक्स में कर देंगे, तो 4 ही चलन दो अभी, ठीक है ना, यानी 4 लाख लाख लिखता रहूंगा हर जगह, एंड आंसर को लैक्स में कर देंगे, जब एंड आंसर आएगा ना तो उसको लैक्स में लिख देंगे। 4 लाख की पॉपुलेशन एक टाउन में जहां पर 4400 लोग स्कूटर का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्कूटर कितने हैं उस जगह पर 4400। जहां 6 लाख की पॉपुलेशन है वहां 6600 यूज कर रहे हैं, एक टाउन में 7 लाख की पॉपुलेशन है 5700 यूज कर रहे हैं स्कूटर, 10 लाख की पॉपुलेशन है 8000 यूज कर रहे हैं, 13 लाख की पॉपुलेशन 10,10,300 स्कूटर यूज करा जा रहा है। तो ऊपर दे रखी पॉपुलेशन और उतनी देर का नंबर ऑफ स्कूटर जो यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन वहां पर। लीनियर रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, सबसे पहले समझिएगा वाई ऑन एक्स का मतलब क्या होता है। देखिए वाई ऑन एक्स का मतलब होता है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स का मतलब है कि हमें वाई की वैल्यू निकालनी है और जब एक्स गिवन हो, लिख लो कहीं पर, वाई ऑन एक्स का मतलब क्या होता है, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जब एक्स गिवन होगा, तो जब एक्स गिवन होगा तो यहां पुट कर दूंगा और वाई की वैल्यू मेरी फाइंड हो जाएगी, ठीक है सर। तो वाई ऑन एक्स का मतलब है, y on x का मतलब होता है y की वैल्यू जो निकालनी है जब x गिवन हो। एक होता है x on y, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें होता है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है जब y गिवन हो, उल्टा होता है बिल्कुल, y से वर्षा होता है इसकी तरह, उसमें वेरिएबल अलग हो जाता है दूसरा। तो x on y भी होता है, y on x होता है, रेग्रेशन एनालिसिस वाले चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों को, ध्यान होगा जिस स्टूडेंट ने सीवी फाउंडेशन में पढ़ा है, ठीक है जी। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डायरेक्ट एंट्री से आए हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ ये चीज, अब मुझे नहीं पता ना कितने ने बीकॉम में कराया नहीं करा। y on x निकालो, हमेशा y on x पूछेगा, x on y होगा, y on x का मतलब है y की वैल्यू निकालनी है जब x गिवन होगा, तो हमें ऊपर पॉपुलेशन दे रखी होगी और नंबर ऑफ स्कूटर बताना होगा, अभी देखें नीचे बताएगा पॉपुलेशन। कहता है बताओ कि अगर 16 लाख की पॉपुलेशन है, कह रहा है अगर 16 लाख की पॉपुलेशन है, मतलब अगर यहां पर मैं कह रहा हूं 16 लाख की पॉपुलेशन है तो बताओ कितने स्कूटर उस 16 लाख की पॉपुलेशन में यूज करे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त, फोरकास्टिंग कहते हैं। तो ये इसके तरीका लिखते हैं, तरीका क्या है इसमें लिखने का, सबसे पहले तो आप लिखो सर क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास, सबसे पहले लिखो x जो आपको दे रखा है, x का मतलब है आपके पास पॉपुलेशन और y का मतलब है नंबर्स को, 4, 6, 7, 10 और 13, 4, 6, 7, 10 और 13 ये आपके पास x आते हैं। लिखो y, y का मतलब है नंबर्स ऑफ स्कूटर 44, 66, 57 44,600, 6,500, 5,700, फिर है जी 8,000 और 10,300, 8,000 और 10,300। यो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे रेग्रेशन इक्वेशन, पहले क्वेश्चन देख लो, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, ऐसे लिखेंगे y on x है ना हमारे पास, तो y on x की रेग्रेशन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेग्रेशन इक्वेशन।
अब इसमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें इसमें से हमें दो इक्वेशन और फाइंड आउट करनी होती है, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। दो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है इधर। दो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड, हम दोनों साइड सिग्मा से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड। दोस्तों जब हम दोनों साइड सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको इक्वेशन नंबर मैंने वन दे दिया, इसको मैंने वन इक्वेशन दे दिया। अब जब मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा सिग्मा वाई, सिग्मा मतलब होता है समीजन। जब मैं सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी भी किसी भी कॉन्स्टेंट को जब सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिग्मा सिग्मा क्या होता है सम है, किसका? कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट को जब जोड़ूंगा तो जैसे लेट सपोज कि मेरे पास दो है और दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, दो को मेरे को चार बार जोड़ना है, तो या तो मैं इस तरीके से ले सकता हूं, दो को चार बार जोड़ने पे क्या आ जाएगा आठ आ जाएगा, या मैं सकता हूं कि दो को चार बार जोड़ना है तो टू इंटू फोर भी कर सकते हैं तब भी आठ ही आएगा। इंडाइसिस चैप्टर आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में मैथ की क्लास के अंदर, इंडाइसिस वो यही कहता है कि आप दो को चार बार मत जोड़ो, दो को अगर चार बार जोड़ना है तो दो को चार से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जैसे दो को पांच बार मत जोड़ो, दो को सीधा पांच से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही आंसर आता है। तो क्या होता है कि अगर मैं कह रहा हूं कि दो को जोड़ना है पर कितनी बार जोड़ना है ये ना बताओ तो एन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एन। सिमिलरली वो कह रहा है कि सिग्मा का मतलब है सम करना, ए को, ए क्या है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को सम करना है, कितनी बार करना है नहीं पता इसलिए एन ए लिखते हैं। भाई आप बता दो कितनी बार करना है, एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है, चार बार करना है, अगर चार बार करना है तो ए को चार बार करूंगा तो फोर ए आ जाएगा, सिंपल है ना। अभी हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि कितनी बार ए को सम करना है इसलिए मैंने एन ए लिख दिया। एन ए का मतलब क्या है? एन का मतलब है वो वैल्यू जो आप बताओगे कितनी बार सम करना है। अगर आप कहते हो पांच बार सम करना है ए को तो हम कहेंगे फाइव ए हो जाएगा, तो एन एक वो टर्म है। और जब सिग्मा इसके पास जाएगा तो ये क्या कॉन्स्टेंट जो है फिर से कॉन्स्टेंट आ गया, पर कॉन्स्टेंट क्या वेरिएबल भी है, तो कॉन्स्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाएगा और सिग्मा वेरिएबल के पास चले जाएगा। इससे दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर दो बन गई, इससे दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर दो बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक दूसरी इक्वेशन और बनाएंगे। तीन इक्वेशन बनती है, पहली तो हमें गिवन होगी, दूसरी हमें बनाई और तीसरी भी हम बनाएंगे। तीसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बार। अब किससे मल्टीप्लाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीप्लाई किससे करना है तो उसके लिए आपको समझना है कि यहां पर वाई है और मैं यहां पर चाहता हूं एक्स वाई। अगर मैं इस वाले में एक्स वाई चाहूंगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स करेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन में, भाई ये जो है इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और दोस्तों जब सिग्मा एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यहां पर सिग्मा वाई पहले और सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, पता ऐसा समझ में आए बात। ये छोटा सा प्रोसेस है जो आप इसको यूज करो, क्या है दोबारा सुनो, पहले वेरिएबल सिग्मा से मल्टीप्लाई करा तो ये सिग्मा वाई हो गया, ये एन ए हो गया, बी बार आ गया, सिग्मा अंदर चले गया, ठीक है जी, पहला स्टेप ये। दूसरा इस इक्वेशन में सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रीजन ये है कि मुझे यहां पर एक्स वाई चाहिए था इसलिए मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हमेशा एक्स से ही करना है क्योंकि हमेशा वाई होगा, तो हमेशा एक्स से करोगे तभी एक्स वाई बनेगा, राइट। तो जैसे मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा सिग्मा एक्स से तो सिग्मा एक्स वाई हो गया, इधर सिग्मा मल्टीप्लाई करूंगा एक्स तो ये ए बाहर आ जाएगा, एन एन तो नहीं पता तो ए बाहर आ जाएगा सर इधर, ठीक है जी, जो ए है वो बाहर आ जाएगा और सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन क्या है, एन अभी इधर क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, एन को क्या मान लेते हैं, इधर वन मान लेते हैं, इस इक्वेशन में एन को वन मान लिया जाता है, तो इसका मतलब है ए को वन बार प्लस करना है, तो ए को जब वन बार मल्टीप्लाई करूंगा तो वन इंटू ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जब हम इक्वेशन नंबर थ्री बनाते हैं तो इधर एन को ए वन एज्यूम कर लेते हैं जिससे एन क्या हो जाता है, हट जाता है और क्या आ जाता है जी, सिग्मा एक्स, क्योंकि देखो ये एन वन हो गया, ए बचा वन इंटू वन, वन इंटू ए बचा, और जैसे ए को सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा ए सिग्मा एक्स हो जाएगा प्लस। अब देखो b पहले से है, b ऐसे रहने दो, सिग्मा x और सिग्मा x मल्टीप्लाई को सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा, तो b सिग्मा x स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन हमने बनाए क्यों, देखिए तीन इक्वेशन बनाने का कुछ पर्पस है, ऐसे ही ये तीन इक्वेशन नहीं बनाई गई है। पहली ये इक्वेशन कब काम आएगी, देखो x मुझे गिवन है 16 लाख, ये x गिवन है, x गिवन है 16 लाख, अगर मुझे a और b मिल जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे a और b मिल जाता है तो मैं y की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, हाँ सर निकाल सकते हैं, क्यों, देखो
मैं ए और बी निकाल लेता हूं। ये ए और बी कहां से निकालूंगा, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से ए और बी फाइंड आउट करूंगा। तो जैसे ही मुझे ए और बी मिल जाएगा, एक्स तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहा था ना एक्स क्या है 16 लाख की पॉपुलेशन में बताओ कितने का स्कूटर यूज करेंगे, कितने स्कूटर यूज करेंगे। तो एक्स तो 16 दे ही रखा है मुझे, बस ए और बी चाहिए। तो ए और बी के लिए हमने दो इक्वेशन बनाई और ये दो इक्वेशन से हेल्प से हम ए और बी फाइंड आउट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बचपन में सीखा था एलिमिनेशन मेथड। ए और बी आ जाएगा, यहां पुट करेंगे 16 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ए और बी निकालने के लिए, जैसे ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई चाहिए। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मुझे यहां से निकालना होगा, यहां पर सिग्मा एक्स वाई और वहां चाहिए सिग्मा एक्स, तो निकाल दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए होगी तभी मैं ए और बी कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो क्या क्या चाहिए जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सिग्मा वाई चाहिए, तो वाई का सिग्मा करना है, आपको चाहिए सिग्मा एक्स करना है, ओहो सॉरी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो यहां होंगे, सिग्मा का मतलब होता है सम, एक्स तो दे ही रखा मुझे, इनको जोड़ूंगा सिग्मा एक्स आ जाएगा और इनको जोड़ूंगा सिग्मा वाई आ जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या है, सम ऑफ वाई, वाई का सम कर दो, एक्स का होता है सम ऑफ एक्स कर दो। इसके बाद एक्स वाई निकालना है मुझे, क्या निकालना है जी, एक्स वाई निकालना है, क्या निकालना है सर, एक्स वाई निकालना है और एक निकालना है एक्स स्क्वायर, क्या चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, तो यहां से मिलेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम, और एक्स वाई निकालना है, ये देखो सिग्मा एक्स वाई यहां से मिलेगा। तो क्या करना है आपको, सिग्मा है वाई चाहिए, मैंने वाई का वाई दे रखा है सम करना है, सिग्मा एक्स चाहिए एक्स दे रखा है सम करना है, एक्स वाई पहले निकालना पड़ेगा तभी उसका सम होगा, एक्स स्क्वायर पहले निकालना होगा तभी उसका सम होगा, ठीक है सर। अब आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके मैं निकाल लेता हूं सारी चीजें, फिर जाकर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा सभी में। एन का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म, एक दो तीन चार पांच टर्म है, पांच डाल दूंगा यहां, एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4400 मल्टीप्लाई बाय 4 17600, 6600 मल्टीप्लाई बाय 6 39600, 5700 मल्टीप्लाई बाय 7 39900, 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 80000, 10300 मल्टीप्लाई बाई 13 133900। इसको हटा दो अब क्योंकि ये समझाने के पर्पज से था, सम का मतलब सम ही कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर 44 जा, 66 जा, 77 जा, 1010 जा, 169 13 आ गया जी, समझ में आ गया, सभी का सम कर दो, सभी का सम कर लो, क्या होगा भाई, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 आ जाएगा भाई 40, सिग्मा एक्स आ गया 40, 4400 6600 5700 8000 और 10300 ये आ जाएगा जी 35000, इधर 17600 39600 39900 80000 133900 311000 और इधर 16 36 49 100 और 169 ये आ गया 370। सबसे पहले का प्रोसेस में आ गया, पहले आपको क्या करना है, ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे सिग्मा मल्टीप्लाई करना, दूसरी इक्वेशन बनानी, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई करना, तीसरी इक्वेशन बनानी, इसमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए ये रहा, सिग्मा एक्स चाहिए ये रहा, एन है ये रहा 5, सिग्मा एक्स वाई पहले निकालो उसका सम कर दो, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालो सम कर दो, सिग्मा एक्स तो वो रहा। अब क्या करो, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दें, सबसे पहले उसको वाले को छोड़ दो, वो लास्ट में काम आएगी, ये हाल है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कितना दे रखा, सिग्मा वाई 35000, फिर दे रखा एन ए, एन है हमारा 5, ये आ गया 5a प्लस बी, आपको एज इट इज रहना है क्योंकि यही तो निकालना है, और सिग्मा एक्स कितना है, एक्स सिग्मा एक्स है ना, एक्स कितना है 40 बी, ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ इतना, ठीक है सर। अब इधर देखो सिग्मा एक्स वाई का सम कितना है, 311000, ए एज इट इज रहने दो, सिग्मा एक्स का सम कर वो था 40 ए, और बी एज इट इज रहने दो, सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम कितना है 370 बी। अब दोस्तों दोनों इक्वेशन आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद लगाता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा,
क्या करना है देखो, ये 40 है और ये 5 है, इसको भी 40 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को पूरे को, तो इसको कुछ मल्टीप्लाई मत करो, 1 से कर दो। तो ऐसे करने से क्या होगा, 40 और 40 हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब नई इक्वेशन क्या बन गई, जरा ध्यान दीजिएगा। नई इक्वेशन, जब मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 5 40 हो गया, 8 को इससे मल्टीप्लाई करा, 40 * 8 ये हो गया 320 वी। मैंने इधर याली चीज इधर लिया और याली चीज इधर कर दूंगा, तो 35,000 को मैंने मल्टीप्लाई करा 8 से, ये आएगा 280,000। ये आगे समझ में, आपको कुछ नहीं करा, ऊपर वाली इक्वेशन को पूरा 8 से करा। 8 से करने से क्या होगा, ये 40 और 40 हो जाएगा, तो कट जाएगा प्लस माइनस करके, है ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 5 40, 40 को 8 से मल्टीप्लाई 320 और से मल्टीप्लाई करा 280। नीचे वाले को 1 से करना है, तो एज इट इज रहेगा, 40 ए एज इट इज रहने दो, 370 बी एज इट इज रहने दो, और 311,000 एज इट इज रहने दो। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, साइन चेंज करा, प्लस माइनस कट गया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ये 320 है और 370, अब देखो ये साइन इसका नहीं, इसका है ये 370, तो 320 में से 370 जाएंगे, माइनस का 50 भी आ जाएगा, और 311,000 में से 280,000 जाएंगे, तो माइनस का 31,000 आ जाएगा। मतलब 280,000 में से 311 माइनस करना है, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 31,000 डिवाइडेड बाय 50, तो बी की वैल्यू यहां पर आ गई 31,000 डिवाइड बाय 50, 620। अब जैसे बी की वैल्यू आई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली में या इस वाली में, तो आपका आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ बी, ये आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दो। पहले बताओ कौन सी इक्वेशन में, ऊपर वाली में कर देता हूं, 5a + 40b, 5a + 40b इक्वल टू 35,000, 5a + 40b, b की वैल्यू है 620, 620 मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ये आ गया 35,000। इधर नीचे रीजन दे देंगे कि b की वैल्यू 620 है, इसलिए यहाँ पर पुट करी गई है। कॉल करेंगे 5a + 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 620 से, ये आ गया 24,800, यहाँ 35,000, तो 5a = 35,000, 24,800 उधर आके हो गया माइनस का, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तो इसको माइनस करें, ये आ गया 10,200, और 5 को उठाकर नीचे भेज दो, ये आ गया 2040, तो ए की वैल्यू आ गई 20। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, भाई आ जाएगा, बस यही करना था। तो y = a + bx था, a आपको दे रखा है भैया 2040, b आपको दे, हम निकाला अभी 620 है ना, b 620, और x आपको दे रखा है 16 लाख था, जब मैं लाख हमने किसी में नहीं लिया तो उसमें भी नहीं लेंगे, कहीं 16 लाख लिख दो यहाँ पर, और पहली कंसिडर है 2620 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 9920, इन दोनों को प्लस करेंगे 2040, क्या जाएगा 11,960। मतलब फिर लास्ट में लिख भी देना है, इफ द पॉपुलेशन, जिससे आपको पता चल जाए पॉपुलेशन इज 16 लाख, देन द नंबर ऑफ स्कूटर इज 11,960, ये लिख देना नीचे लास्ट में कि 16 लाख की पॉपुलेशन में 11,960 के स्कूटर यूज होंगे, तो 11,960 स्कूटर यूज होंगे। आंसर देखो, एंड बस एंड आंसर देखिए 11,960, और लास्ट में एक लाइन लिखनी जरूरी है, 16 लाख की पॉपुलेशन में 11,960 स्कूटर यूज कर रहा। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है। अभी मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, जिससे आपको क्या हो जाए, एक अच्छा खासा है वो बन जाए, तीसरा, पहला और दूसरा आप करोगे, ठीक है ना सर। वो तो उसको पूरा सॉल्व नहीं करना, पहले दूसरे में सॉल्व ही नहीं करना, पहले दूसरे में कुछ सॉल्व नहीं करना ज्यादा, साल दे रखा है, ई एक्स दे रखा है आपको, कह रहा है अगले 5 साल का ट्रेंड निकालो, अगले 5 साल का ट्रेंड निकालना है, 5 साल का ट्रेंड कैसे, ये करा दूं क्या, देखो एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने वो करा दिया, एक क्वेश्चन ये करा देता हूँ, तो दोनों एक अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक्स आपको दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है सर, वाई और एक्स निकालना, y = a + bx। इसके बाद कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख की है, पॉपुलेशन कहाँ है, ये ऊपर, अगर यहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख की हो जाए,
निकालना है। अगर आप पॉपुलेशन 10 लाख की हो जाए तब क्या होगा, नंबर ऑफ टीवी डिमांड 1000 में आएगा, और अगर पॉपुलेशन 20 लाख की हो जाए तो नंबर ऑफ टीवी डिमांड कितना होगा। ये दो चीज निकालनी है, दो बार निकालना आपको। तो मतलब कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली क्वेश्चन में हमने एक बार निकाला था ना, जैसे ये आपका एक बार हो गया, तो यहाँ पर लिखना अगर पॉपुलेशन 10 लाख की है तो कितना डिमांड होगी टीवी की, फिर सेम दोबारा सॉल्व करना, ए और बी वैसे ही रहेंगे, पॉपुलेशन अगर 20 लाख की होगी तो टीवी की डिमांड, दो अच्छी वैल्यू दे रही है ना, तो दो भाई की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है ना, क्लियर। अब इधर आ जाओ, ये अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि अगले 5 साल की डिमांड आप निकालिए। देखिए जब आपको ऐसा बोले ना कि अगले 5 साल की डिमांड निकालो, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, देखो यहां पर दो वेरिएबल नहीं दे रखा, सिंगल वेरिएबल दे रखा है। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सिंगल वेरिएबल दिया है, ईयर का भी वेरिएबल नहीं होता, ईयर का भी वेरिएबल नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन भी देख लो कैसे करना होता है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है और भी निकालने का। तो जब भी आपको सिंगल वेरिएबल दे रखा है, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, पर एक्स एक्स दे रखा है तो सिंगल वेरिएबल, जैसे कि सेल आपको दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, पॉपुलेशन टीवी की डिमांड, पॉपुलेशन स्कूटर की डिमांड, ये दो वेरिएबल हो गए ना। अब देखो ईयर कोई वेरिएबल नहीं होता, 2017 में 100 लाख की सेल होती है, 2016 में 100 की होती है, 2017 में 110 लाख की सेल होती है, 2018 में 115 की, तो ये ईयर पे इतनी सेल आपको दे रखी है। कहता है अगले 5 साल 2022, 23, 24, 25, 26 ये 5 साल की सेल निकाल के दिखाओ। अब सेल आपका एक सिंगल वेरिएबल है, तो ऐसे केस के अंदर आप यहां पर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ऐसे केस के अंदर आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए। चलिए तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को इन्होंने जो कराया ना, इससे डिफरेंट तरीका मैं यूज करूंगा, बट मेरा तरीका जो होगा वो ज्यादा सिंपल होगा, ठीक है। पहले मैं याला क्वेश्चन नहीं करा के आपको ना याला कराता हूँ, ये वाला इससे ऊपर वाला भी सेम ही है, पर दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले याला क्वेश्चन करते जिससे आपको आसानी हो जाए करने के लिए। फ्रॉम द फ्लोइंग टाइम सीरीज दोनों करा दूंगा सर, दोनों ही करा दूंगा, बस एक क्वेश्चन आप करके लिया ना खुद से, मैं ये दोनों करा दूंगा, क्योंकि दोनों डिफर करता है। कैसे डिफर करता है बताता हूँ, देखिए इधर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल आपको दे रखे हैं, ठीक है, और इधर देखोगे तो 6 साल आपको दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो एक साल ऑड नंबर है, एक है इवन नंबर, दोनों ही केस में कैसा होगा वो देखेंगे। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये कैसे करेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन आपको ईयर दे रखा है, ईयर को ना डिनोट करेंगे हमेशा बड़े वाले एक्स से, इस नोट करेंगे बड़े वाले एक्स से, एक नया फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर। आपको ईयर दे रखा है, साथ में आपको दे रखा है सेल जो कि थाउजेंड्स में है, इसको हमने वाई ट्रीट करा, ये बड़ा वाला नहीं है, तो सीधा सीधा वाई दे रखा हमें, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी होती है वो वाई है, हमें सेल ही तो निकालनी है ना। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि अगले 5 साल नेक्स्ट 3 साल की सेल और निकाल के दिखाओ, तो सेल जो निकालना है वो वाई मानोगे, ठीक है जी। ईयर को आपने क्या माना, एक्स माना। ईयर कहाँ चालू है, 2015 से 2021 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सेल आपको दिखनी है 80, 90, 92, 83 94, 99, 92, 93, 94, 99 और 92 सेल आ गई, इतना सब आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक इक्वेशन है, रेग्रेशन इक्वेशन, सर रेग्रेशन इक्वेशन हमारे पास है कौन सी, एक्स वाई ऑन एक्स, हमेशा वाई ऑन एक्स ही है, क्योंकि एक्स ऑन वाई वाला हमारे सिलेबस में है नहीं, वो ही हमके सिलेबस में फाउंडेशन में था चैप्टर में। वाई ऑन एक्स का मतलब हो गया वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, हो वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, एक ही तरफ एक ही तरीका अपनाए, ठीक है। हालांकि दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक जो मैंने अभी आपको कराया था एक वो तरीका है, और एक जो अभी नया तरीका है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊं, जिससे आपको वो एक तरीका, सिंगल तरीका जो हर जगह यूज हो सकता है। सर दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड में अंदर क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड के अंदर ए और बी निकालने का फॉर्मूला है। डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होगा, जब आपको ईयर्स दे रखे होंगे वहां यूज होगा।
और इनडायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर लो। तो सही क्या है, एक मेथड लेते हैं और सभी क्वेश्चन को उसी मेथड से सोल्व करते हैं, बस ये सही है। दो दो मेथड याद करने का कोई बेनिफिट है नहीं। हालांकि आपको आसान लगेगा कि ये फॉर्मूला याद करो, ये याद करो, बस हो गया दो मिनट में काम। बट सर क्या होता है ना, ये पेपर में याद नहीं हो पाता, इसलिए सिंगल मेथड हम यूज करते हैं। सिंगल मेथड यूज करने के लिए हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर वन माना। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं, पेपर में कर लेना मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड, ये हो जाएगा एन ए और ये हो जाएगा बी सिग्मा एक्स। ये मैं इतनी बार करा चुका हूं तो याद हो गया। फिर सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई करते, ये हो गया सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तीन इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। ये तीनों इक्वेशन बनाने का तरीका जो मैंने आपको बताया था वैसे ही पेपर पर करना, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स बोथ साइड, तब आएगी तीन इक्वेशन। अब हमें तीन इक्वेशन में क्या क्या चाहिए होता है, हमें तीन इक्वेशन में चाहिए होता है सबसे पहले तो y का सिग्मा सम और x का सम। अब देखो x का सम कैसे निकालेंगे, देखो y का सम तो मुझे गिवन है ये रहा, पर ये तो x है ही नहीं, ये बड़ा x है, बड़ा x मतलब ईयर, ईयर को हमेशा बड़े x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें छोटा x निकालना पड़ेगा और छोटा x निकालने के लिए हमें एक तरीका होता है, वो तरीका ये होता है बचपन में आपने सीखा होता है मीन निकालने का, x माइनस एज्यूम मीन, ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, assuming का मतलब होता है इनमें से कोई भी मिडल ऑफ द ईयर, मिडल का इसमें से, assuming का मतलब होता है कि आपके पास जो बड़ा वाला x है ना उसमें से कोई भी एक उठाओ x की वैल्यू और उसको assume mean ट्रीट कर लो। assume मतलब अपने हिसाब से हमने assume करा। लेट सपोज कि मैं 2018 उठाता हूँ, आपने 2015 उठाया, तो हालांकि ये तो चेंज हो जाएगा पर एंड आंसर हमेशा मैच करेगा, एंड आंसर हमेशा मैच करेगा। आप करके देख लो, आप 2015 लेकर assume mean 2015 ले लो और मैं 2018 ले लेता हूँ। सुनो, जब मैंने assume mean 2018 लिया, ठीक है ना, ये इधर से उठा, तो अब 2015 में से 2018 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस तीन। 15 में से 18 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस 16 में से 18 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस 2। 17 में से 18 माइनस 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। और आप 15 से करो, जब आप 15 से करोगे तब भी आपका आंसर यहां पर 0 ही आएगा। आप 16 से कर लो तब भी 0 आएगा, assume mean ये मान लो 17 तब भी 0, 19 मान लो तब भी 0 आएगा, आपको हमेशा 0 मिलेगा। क्योंकि assume mean का मतलब ये हुआ है कि आप assume कर लो, assume हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना, एंड आंसर हमेशा सेम आने वाला है। आप देख लीजिएगा, अगर आप 2015 मानते हैं, ये जीरो नहीं आएगा, एंड आंसर मैच करेगा, ये जीरो नहीं आएगा, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी, ये वाला जीरो नहीं आएगा, अभी यहाँ पे मेरा ये जीरो आ गया ना, ये नहीं आएगा जीरो, एंड आंसर मैच करेगा, जो एंड का आंसर है ना, मेन जो आंसर होगा एंड वाला, वो आपका मैच कर जाएगा, आप कुछ ही मानोगे। बट हमेशा क्या करना चाहिए, ये मैंने प्रूव कराया हुआ दोस्त, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हवा में, कि मैं फाउंडेशन की मैथ पढ़ाता हूँ उसमें हजार एक एक स्टूडेंट को, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट को एक एक करके प्रूव करवाता हूँ। मानो 2015 assume mean, तब सोल्व करो, 2016 मानो, 10 जैसे ये आपको दे रखे ना, ये कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7, सातों बच्चों को अलग अलग बोलता हूँ assume mean मानने के, और जब सोल्व करते हैं ना बच्चे तो उनको पता चलता है कि हाँ सब में सेम आंसर आ रहा है। ठीक है सर, तो ये आप कुछ, ये आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे बोल रहे हैं, आप करके देख लेना, प्रैक्टिस अगर आप करना हो, एंड आंसर हमेशा मैच करेगा आपका। इतनी बार 2016 से पढ़ा रहा हूँ मैथ, हाँ जी 216, ये देखो 630 आ गया, ये हो गया सिग्मा वाई, ये हो गया सिग्मा एक्स। अब हमें क्या चाहिए, ये नहीं, हमारा जो एक तरीका हमने जो यूज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर चाहिए और हमें एक्स वाई चाहिए, हमें एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर निकाल लो, 3 3 9, सारे माइनस पॉजिटिव जाएंगे, 2 2 4 1 1 0 1 1 1 2 2 4 3 3 9, सारे पॉजिटिव जाएंगे, 9 + 1 + 4 * 2 = 28 हो जाएगा। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखो 80 मल्टीप्लाई करूंगा -3 -240 हो जाएगा, ठीक है सर, 90 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से -180 हो जाएगा -92, यहाँ आ जाएगा 0, 94 बन जा 94, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 198 हो जाएगा, और 92 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 276 हो जाएगा। करो सॉल्व, 276, 198 और 94 -240 -180 और -92, पॉजिटिव 56 आ गया। सबसे पहले तरीका ढूंढ लो, तरीका देख लो, कहीं पर भी क्वेश्चन में x वेरिएबल गिवन है और y वेरिएबल गिवन है तो बात ही खत्म होगी, दोनों x और y गिवन था जिससे मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया,
इस वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई गिवन नहीं था, वाई हमें गिवन था क्योंकि जो निकालना होता उसको वाई बोलते हैं। सेल निकालनी थी हमें वाई गिवन, एक्स नहीं गिवन, तो इस वाले जो ईयर दे रखा है उसको मैंने क्या माना, बड़ा एक्स माना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ईयर के साथ, ईयर और एक वाई वेरिएबल, तो बड़ा एक्स मानो और उससे क्या निकालो, छोटा एक्स निकालो। छोटा एक्स निकालने के लिए बड़े एक्स में से एज्यूमिन माइनस करो, एज्यूमिन इनमें से कुछ भी मान लेना, बट अगर मिडल ऑफ द ईयर मिडल मारो, मिडल वाला मानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें आसान होता है सॉल्व करना। मिडल इसलिए मानते हैं क्योंकि सॉल्व करना आसान होता है, वैसे मान कुछ भी सकते हैं। ठीक है, इससे आपका एक्स आ गया, एक्स का सिग्मा कराइए, वाई का सिग्मा कराइए, एक्स वाई आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया, बस पुट कर दो हर जगह। सबसे पहले एन कितना है मेरे पे, सेवन ए प्लस एक्स कितना है सिग्मा एक्स, ये है जीरो इक्वल टू, वाई कितना है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई है मेरा 630। तो पहला वाला तो ये बन गया इक्वेशन। ठीक है सर, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, सेवन ए ये आएगा जीरो इक्वल टू 630, तो सेवन ए इज इक्वल टू 630, तो ए इज इक्वल टू 630 डिवाइड बाई 7, तो डायरेक्टली आ गया, बल्ले बल्ले हो गई 90 आ गया, तो ए की वैल्यू मेरी डायरेक्ट 90 आ गई। ठीक है सर, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब देखो ये एक्स वाई, दूसरी वाली क्वेश्चन में पुट करता हूँ, ये रहा एक्स वाई, एक्स वाई कितना है 56, डाल दो 56, ये ना ज्यादा एलिमेंशन मैथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि बी पहले ही खत्म हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 28 है। देखो 56 डाल दिया, ए आपके पास एज इट इज रहेगा और सिग्मा एक्स आपके पास जीरो है। ठीक है सर, सिग्मा एक्स जीरो है ना, बी आपका एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर आपके पास 28 है। 56 ये हो गया जीरो, 28 को मल्टीप्लाई करूंगा 28b, बी की वैल्यू निकालने के लिए 56 को डिवाइड करूंगा 28 से, ये आ जाएगा 2। दोस्त मैथड हमने वही लिया है, सब कुछ वही लिया है, अब इसका मैथड देख लो और मेरा मैथड देख लो, एक ही नजर आएगा। इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, मैंने वो फॉर्मूला लगाया, एक ही तरीका से करा रहा हूँ, आंसर वही आ रहा है, ए की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू वाई की, बी की वैल्यू 2। अब पुट कर दो इसको इक्वेशन में, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सुनना ध्यान से, वाई इक्वल टू ए आपको दे रखा है 90, बी आपको दे रखा है 2x, ये आपकी मेन इक्वेशन है, ये आपकी मेन इक्वेशन है। अब यहां से क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या निकालना है, नेक्स्ट थ्री ईयर का, 2021 का है ना, 21 दे रखा है, 2022 का निकालना है, और 2022 और 2023 तीन साल का निकालना है, और 2024 तीन साल का आपको निकाल कर देना है, जो आपसे कह रहा है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू तीन साल की निकालनी है। पहले तो एक्स निकालोगे, ठीक है ना, ये आ गया 90 प्लस 2, एक्स कितना है देखो, ये 2022 है ना, छोटे एक्स कैसे निकालते हैं, छोटे एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू बड़े एक्स में से ए माइनस करना। ठीक है जी, अब बड़ा एक्स कितना दे रखा है 2022, एज्यूम इन कितना माना था हमने 2018, मेरे क्वेश्चन में एज्यूम इन 2018 था, बोल तो नहीं गए, मेरे क्वेश्चन में एज्यूम इन जो मैंने माना था वो 2018 था, और यहाँ पर 2022 का चाहिए, 2022 में से 2018 जाएंगे क्या बचेगा, 2022 में से 2018 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो इधर आएगा 4 इधर एक्स, ये वाला मत सीधा 2022 में लिख देना दोस्त, वो बड़ा एक्स होता है, ईयर बड़ा एक्स है और छोटा एक्स क्या है आपके पास निकालने के लिए दिया है। अब सॉल्व कर लो, 9 2 8 98 आ गया इसका, तो सेल कितनी की होगी 98 लाख की। इधर वाई कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 2 इधर आएगा ना 5, देखो ना सॉरी 5 नहीं, हाँ 5 आएगा, 2023 में से 2018 जाएंगे क्या हो जाएगा 5, यह आ जाएगा 100, और इधर वाई इक्वल टू क्या जाएगा 90 प्लस 2 इंटू 5 की जगह पर इधर क्या जाएगा 6 आ जाएगा, 2024 में 2018 आएंगे 6 बजेगा, 6 × 2 = 12 102, इस तरीके से 98 100 और 102 पीछे 1000 लगा रखा है, क्यों, क्योंकि सेल हमें 1000 में दे रखी है, सेल हमें 1000। अब इधर देखो इन्होंने क्या रखा है, टाइम डेविएशन सेल अलग अलग चीजें बोल रखी है, इधर देखो इधर अलग ही निकाल रखा है इन्होंने, टाइम डेविएशन फ्रॉम मिडल ऑफ द 2004 2005 6 मंथ, सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या, मिडल क्या मानोगे, सर उधर तो मिडल था कि 18 मानता है तो 3 इधर थे 3 इधर थे, अब इधर मिडल क्या मानोगे, तो इन दोनों में से कोई एक मान लेना, आप कंसर्न मैच कर लेना। मैंने आपसे क्या बोला था, एज्यूम मीन कुछ भी मान लो आप, कुछ भी, एंड आंसर मैच करेगा ही करेगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है सर इधर का तो मिडल दे ही नहीं रखा, वो तो इवन ऑड नंबर था तो 7 था, तो बीच में 3 इधर 3 इधर हो गया,
ये तो ऑड है, मैं कौन सा मिडल मारू, कहां मानू, 2018 मान लो, 2019 माना चाहे वो मान लो, 2018 मानना है वो मान लो, 2017 मानना है, 20 मानना है, कुछ मान लो भैया, आंसर सेम आएगा। अगर आप अगर प्रूफ करना है तो आप आराम से बैठकर प्रूफ भी कर सकते हैं। सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस दे दिया ईयर, इसको बड़ा वाला एक्स मानते हैं, ये दे दी सेल, इसको वाई मानते हैं छोटा वाला। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021, चल कितनी देर की है, 100, 110, 115, 120, 100, 110, 115, 120, फिर 135, 140, 135, 140, इसमें देखिए कौन सा फोन लगा रखा है इन्होंने, वही लगा रखा, कोई नहीं, हमने एक तरीका अपनाया है, हम उसी से गर्व करेंगे। छोटा एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, बड़े वाले एक्स में से एज्यूम मीन माइनस करोगे तो छोटा एक्स आएगा। एज्यूम मीन क्या मान लो, कुछ भी मान लो, नीचे क्या मानो बताओ, 2019 मान लेते हैं, 2019 मान लिया। अब देखो, अब ऐसे भी कर सकते हो, 2018 2019 का बीच का भी ले सकते हो, पर मिडल ऑफ द ईयर आ नहीं रहा इसमें, 2018.5 सही नहीं है, अब 2019 मान लो या 18 मान लो, ठीक है। अब 16 में से 19 जाएंगे, 17 18 19, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा, एंड आंसर देखना हम मैच करेगा, ठीक है जी। ये टोटल कर लो और यहाँ ये टोटल कर लो, 100, 110, 115, 120, 135, 140, 520, माइनस 3 माइनस 2, 2 और 1, 2 और 1 कट गया, यहाँ पर माइनस 3 आ गया। अब आप निकालो एक्स वाई और फिर आप निकालो एक्स का स्क्वायर, खत्म हो गए, एक्स स्क्वायर आ गया 33 जा 9, 22 जा 4, 11 जा 1, 0, 11 जा 1, 22 जा 4, 4 और 1 5, 4 और 5 10 और 1 19, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 300 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 220 आ गया, माइनस 115 ये 0, 135 और 140 मल्टीप्लाई बाय 2, 280, कुछ भी मान लो यार, 300, 220 और 115 में से माइनस करेंगे 135 और 280, यह आ जाएगा माइनस का 220। तीन इक्वेशन बनाओ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, पहली इक्वेशन, दूसरी सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, दूसरी इक्वेशन ये पहली है, तीसरी होगा सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, बेसिकली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा सिग्मा एक्स स्क्वायर से, ये तीसरी इक्वेशन, तीनों वैल्यू मैंने निकाल दी है, अब ऐसे वैल्यू पुट कर दो। देखो पहले इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये है आपके पास वाई, वाई का टोटल कितना है 720, 720 इज इक्वल टू एन ए, एन आपके पास कितना है 1 2 6 है 6 ए प्लस एक्स कितना है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स आपके पास माइनस 3 है, तो माइनस 3, तो इसको सीधा प्लस माइनस माइनस ही कर दूं, माइनस 3 सर, यहाँ प्लस था फिर माइनस 3 आ, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया हाथ के हाथ। अब इधर आ लो इस वाली में, सिग्मा एक्स वाई कितना है माइनस 220, ए कितना है ए एज इट इज, सिग्मा एक्स है माइनस 3 ए प्लस, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है ये देखो 19 है, तो ये 19 भी आ गए। अब क्या करना है आपको, अब आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है, ये आप एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, क्या बचेगा देखो, 6 ए ऊपर वाला एज इट इज उतार दो, 3 बी इक्वल टू 720, क्या करा मैंने देखा है, मैंने ये वाला आगे ले आया, इधर नहीं लाया आगे लाया हूं, इधर लाने में साइन चेंज होता है, आगे लाया हूं, आगे आगे लिख दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया बेसिकली, इस वाले को उठा के इधर लिख दिया, इस वाले को इधर लिख दिया, इक्वल टू में ही है वो, नहीं आप सोचे ये इधर लाया तो साइन क्यों नहीं चेंज करा, साइन नहीं चेंज हुआ भाई, वो आगे लाया आगे लिखा है बस उसको मैंने, और इस वाले को भी आगे लिख देता हूँ, पर इससे मल्टीप्लाई भी करूंगा, देखो 3 2 जा 6 माइनस 6 से 2 19 जा 19 2 जा आपके पास 38 प्लस का 38 बी, और 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस का 440, देखो अब मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन तब चेंज करते हैं जब ऊपर प्लस हो नीचे ही प्लस हो, पहले माइनस है कट गया, 38 में से 3 जाएंगे क्या बचेंगे 38 माइनस 3 आपके पास 35 भी बच गए प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस है, बड़ी संख्या के साथ प्लस, 720 में से 440 जाएंगे क्या बचेगा 280, यहां से बी की भी वैल्यू आ गई 280 डिवाइड बाय 35 8,
ए बी की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो किसी में भी, 720 छ ए माइनस तीन बी, छ ए माइनस तीन बी इजिकल टू 720, ए एज इट इज रहने दो, तीन बी, बी की वैल्यू कितनी आई थी 8, 8 आ गए यहाँ पर इजिकल टू 720, 6 से इजिकल टू 720 और ये प्लस उधर आ गया 8 या 24 हो जाएगा, 24 प्लस कर दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 720 प्लस 24 744 एंड डिवाइड बाय 6, थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी 124। अब पुट कर दो पहली इक्वेशन पे, वाई इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, वाई निकालना है, ए आपको दे रखा है 124, बी दे रखा है 8x, ये आपका ही। अब एक्स की वैल्यू आप अलग अलग निकालोगे, कैसे निकालोगे, 5 साल का निकालना है सर डाटा, स्टार्ट करा था 2021 से, मतलब 2021 हमारा लास्ट था और आपको डाटा चाहिए 5 साल का, 2022 से 5 साल, फोर 2022, 2022 एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 2022 है, 2022 है और मैंने एज्यूम मीन कितना माना था, ये बड़ा एक्स 2022 हो गया और एज्यूम मीन कितना माना है 2019, तो एक्स की वैल्यू होगी 3, तो वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 124 प्लस 8 इंटू 3, 8 या 24 प्लस 124 कितना आ जाएगा 148, क्या आ गया सर आपके पास 148। चलो अब दूसरा बाकी निकालो आप, 2023 2024 2025 और 2026, यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 4 5 6 7, वाई इजिकल टू 124 प्लस 8 इंटू 4, 8 चौक 32, 124 प्लस 32 156 आ गया, और जो पीछे 1000 लगाना है वो लगा लेना आप, 124 प्लस 8 इंटू 5, 8 पंजे 40, 124 प्लस 40 164, वाई इजिकल टू 124 प्लस 8 इंटू 6 48, 124 172, वाई इजिकल टू 124 प्लस 8 इंटू 7, 7 समझ में आया ना, कहते 2026 में से 2019 जाएंगे 7 बचेगा, 180। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, एक क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप, 148, 148, 156, 164, 172, 180, 164, 178, पीछे लैक्स लगा लेना, अब इनका सोल्यूशन देख लो, अब कैसा निकालोगे, माइनस पांच कैसा आया आप बता के दिखाओ, स्टूडेंट जब भी तो सेल्फ स्टडी में कंफ्यूज आता है, कैसा आया है माइनस पांच समझ नहीं आएगा, मेरे खुद पर लेनी पड़ा था ये माइनस पांच कैसा आया, एक मेथड लो उसी से सॉल्व करो सही रहता है, जितना आप सिंगल मेथड सॉल्व करोगे उतना सही रहता है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पूरा चैप्टर खत्म हो गया ये वाला, और ये क्वेश्चन आपको पता है इसमें एक्स और वाई पहले से गिवन है, जब एक्स और वाई पहले से गिवन है तो कुछ नहीं करना, एक्स वाई निकालो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एक्स वाई निकालो, एक्स स्क्वायर निकालो, पुट कर दो सारी वैल्यू, और इस बार दो निकालना है, इस बार एक्स की वैल्यू एक बार 10 दे रखी है तो वाई कितना आएगा, और एक्स की वैल्यू अगर 20 दे रखी है तो वाई कितना आएगा, ये आपके हैंड में छोड़ दिया, चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया डिमांड फोरकास्टिंग का। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगली क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे, और नए इस चैप्टर इस मॉड्यूल में पता है कौन से, इस मॉड्यूल में चैप्टर है ही नहीं कुछ, इस मॉड्यूल में छोटे 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 चैप्टर है, जैसे कैपेसिटी प्लानिंग ये थ्योरेटिकल चैप्टर हो गया इसके, हाँ ये वाला थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, इसके बाद फैसिलिटी लेआउट वगैरह छोटे छोटे चैप्टर है इसमें, वो जल्दी 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 हो जाएंगे, एक क्लास में खत्म हो जाएंगे सारा मॉड्यूल, पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा इसमें, इसमें लास्ट जो चैप्टर है जो थोड़ा दो क्लास लगी वो है ईबीक्यू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, उसमें रिवाइज कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।